वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSSB KVS या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी लाइब्रेरियन, म्यूजिक, लगभग सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और आप वीडियो क्लासेस भी चाहते हैं तो वो भी बहुत ही कम चार्जेस में आपको मिल जाएगी। तो आज ही आप अपनी सीट बुक कीजिए और फायदा लीजिए। थैंक यू। बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, काफी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जिनको इन वैकेंसीज का इंतजार था, उनका इंतजार यहाँ पर खत्म होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी नंबर में वैकेंसीज आ रही है। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं, मोस्ट जो PGT DGT अलग अलग दी गई हैं। PGT के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स में PGT में वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी गई है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट जो MSc कोर्स किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन या NCERT कंसर्न सब्जेक्ट से आपके लिए होनी चाहिए, प्लस PGT हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर बताई गई है क्या क्वालिफिकेशन है। और साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पे स्केल 32,500 बताया गया है PGT के लिए। साथ में PGT कंप्यूटर साइंस का भी सामने दिया गया है, एटलीस्ट यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें भी सेम अगर बात करते हैं पे स्केल की तो 32,500 सामने दिया गया है, मेंशन किया गया है। इसी के साथ अगर TGT की बात करते हैं तो TGT हिंदी, मैथ्स, SST, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, सभी में भी नंबर ऑफ वैकेंट पोजिशन दी गई है। पे स्केल यहाँ पर 31,250 है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है आप देख सकते हो, बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और BEd वगैरह जो भी है आप देख सकते हो। अब बात करते हैं PRT की और साथ में यहाँ पर CTET भी आपसे मांगा गया है, CTET क्वालिफाई होना चाहिए। PRT की बात करते हैं तो इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस CTET क्लियर होना चाहिए और 26,250 इसमें सैलरी बताई गई है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, इसमें भी 26,250 और 31,250 दी गई है। स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो 26,250 और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की बात करते हैं तो 26,250 सैलरी दी गई है। साथ के साथ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेंटर में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं नर्स की तो नर्स के लिए यहाँ पर 750 पर डे के हिसाब से है। काउंसलर की बात करते हैं 31,250, काफी नंबर में वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 26,250, स्पेशल एजुकेटर 26,250 और इस तरह से डाटा एंट्री के लिए यहाँ पर दिया गया है डेली लेबर वेज रेट एट पर मिनिमम वेजेस एक्ट फॉर वर्किंग डेज ओनली। तो बाकी जो भी इसमें रहेगा ये जो है आपको 7/3/2023 और 9/3/2023 सुबह 8 बजे से लेके सुबह 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया होगा आपको दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू 7/3/2023 और 9/3/2023, टाइमिंग भी दी गई है रजिस्ट्रेशन की 8 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक। और ये जो वैकेंसीज हमारी आ रही हैं ये KVS स्कूल, यहाँ पर हमने वो कैन इंटरव्यू देखा है KVS नॉर्म्स 2023-24 सेशन के लिए, जो कि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट हैं। और साथ में कहाँ से ये पोस्ट आ रही हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। ये सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है एक ही फॉर्मेट में, पहले डिटेल में क्वालिफिकेशन वगैरह देखी है। लेकिन KVS डीफू जो आपका असम में है, कार्बी अंगलोंग, यहाँ से ये वैकेंसीज आ रही हैं। वॉक इन इंटरव्यू दिया गया है 7/3/2023 को, 7/3/2023 TGT PGT के लिए आफ्टरनून टाइम दिया है और 9/3/2023 और 9/3/2023 PRT और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जो भी अगर आपका कोई क्वेरी फॉर्म होती है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।